expression for range या horizontal range covered by the projectile. For example, अगर आपकी body यहाँ से यहाँ चली तो उस केस में जो ग्राउंड का डिस्टेंस है वो इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज या रेंज. क्लियर है? तो मुझे आर निकालना है. अब देखने वाली बात क्या है, आर का एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल. तो इक्वेशन, अगर आर निकालना है तो इक्वेशन किस में लगेगी, एक्स में. एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है, कितनी, वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा और वी कॉस थीटा. तो आर डिस्टेंस कवर करने में बॉडी ने टाइम कितना लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि आर डिस्टेंस कवर करने में पूरा टाइम लिया, कितना, कैपिटल टी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. तो अगर मुझे रेंज आर की वैल्यू निकालनी है तो एक्स एक्सिस में इक्वेशन लगेगी. एक्स में इक्वेशन क्या लगेगी, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, कितनी, वी कॉस थीटा. इक्वेशन क्या लगेगी, एस इज इक्वल टू वी टी. तो एस की जगह आर, क्योंकि पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, आर. वेलोसिटी की जगह वी कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट. और टोटल समय कितना लिया आर डिस्टेंस कवर करने में, टाइम ऑफ फ्लाइट. और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टू वी साइन थीटा बाई जी. तो आर की वैल्यू क्या आ गई, वी कॉस थीटा इंटू टू वी साइन थीटा बाई जी. तो वी इंटू वी, वी का स्क्वायर हो गया. मैथ्स में एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का कि टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन ऑफ टू थीटा. तो याद रखेंगे, 2 into sin theta into cos theta can be written as sin of 2 theta. तो ये आपके पास किसका एक्सप्रेशन आ गया, रेंज का एक्सप्रेशन आ गया.